यानी चाहे कारें ईवी में चेंज हो जाए चाहे नॉन पेट्रोल और डीजल में ही रहे, लेकिन उन्हें चलने के लिए टायर्स की रिक्वायरमेंट फिर भी रहेंगे, जिसका नाम है MRR। तो इन्होंने जब अपने बिजनेस की शुरुआत करी तो उन्होंने उस टाइम पे शुरुआत करी थी गुब्बारे बेचने के बिजनेस से। तो फिर ये गए सर सचिन तेंदुलकर जी के पास। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान सिर्फ एक स्टॉक के लिए 1.5 लाख रुपए पे कर सकता है? सुनने में थोड़ा सा पागलपन सा लगता है, लेकिन ये कहानी है इंडियन स्टॉक मार्केट के जायंट की, जिसका नाम है MRR। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि MRR सबसे महंगा शेयर कैसे बन गया, कैसे ये स्टॉक 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गया। इवन हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब इसका प्राइस 2 लाख या 1 लाख भी हो सकता है, सो इट्स डिपेंड ऑन टाइम। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि MRR में ऐसी क्या खासियतें हैं जो इसे इंडिया का सबसे महंगा शेयर बनाता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आज हमारे माइंड में है MRR के रिगार्डिंग, सो डोंट वरी, सारे क्वेश्चन का आज आपको जवाब मिलने वाला है इस MRR की कंप्लीट केस स्टडी में, जहां पे हम शुरुआत करेंगे इसकी स्टार्टिंग से एंड इसके एंड तक के, जो करंट में अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर। तो चलिए शुरू करते हैं MRR की कंप्लीट केस स्टडी। तो मैं आपको बता दूं, 1946 में KM ममिन मम्मीपाली, हो सकता है थोड़ा सा प्रोनंसिएशन मैंने गलत करा हो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, लेकिन जब इन्होंने शुरुआत करी थी उससे पहले इनकी जो फैमिली बिजनेस था उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिला था पॉलिटिकल इश्यूज से, क्योंकि उसी टाइम पे इंडिया भी आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। तो इन्होंने जब अपने बिजनेस की शुरुआत करी तो उन्होंने उस टाइम पे शुरुआत करी थी गुब्बारे बेचने के बिजनेस से। लेकिन कुछ टाइम बाद जब इन्हें अपने दोस्त से पता चला 1952 में कि रबर्स के काम में बहुत ही अच्छा मार्जिन है, एंड ये थे थोड़े से बिजनेस माइंडेड, तो इन्होंने देखा कि अरे वाह, अगर यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है तो क्या करें। तो इन्होंने वहाँ से गुब्बारे वाले बिजनेस को हटा के रबर्स के काम में एंट्री ले ली, एंड रबर्स के काम में एंट्री लेने के बाद इन्होंने टायर्स बनाना शुरू कर दिए। लेकिन आपको तो पता ही है 1960 तक इंडिया में इतनी कारें ही नहीं थी, तो वहाँ पे टायर की क्या डिमांड होती। तो इन्होंने दिमाग लगाया और अमेरिका की एक कंपनी के साथ में इन्होंने टाइप करा, जिसके चलते इन्होंने अपने टायर्स को अमेरिका की कंपनी के नाम पे यूरोप एंड अदर कंट्रीज में सेल करना शुरू कर दिया, जिससे कि इनका एक्सपोर्ट बिजनेस अच्छा चलने लगा। लेकिन जब इन्हें पता चला कि इंडिया में एक जाइंट आ चुका है जिसका नाम है मारुति, तो इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया एंड इंडिया में दोबारा से अपने कदम रखे एंड मारुति के साथ में टाइप कर दिया। इससे ये हुआ कि जब मारुति ने अपनी पहली कार मारुति 800 मार्केट में लॉन्च करी तो उसमें MRR के टायर लगे हुए थे, और फिर क्या था, यहाँ से MRR की जो जर्नी है ना वो एक नेक्स्ट लेवल पे चलेगी। जहाँ पे ये सिर्फ 4-व्हीलर की टायर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, वहाँ पे इन्होंने धीरे धीरे 2-व्हीलर्स में भी शिफ्ट हुए, क्योंकि उस टाइम पे फिर हीरो भी आ चुकी थी। देन इन्होंने जितने भी हैवी टायर्स थे JCB से लेके बड़ी बड़ी मशीन्स का, वहाँ पे भी इन्होंने एंट्री बनाना शुरू कर दिया। इवन ये सिर्फ टायर नहीं बना रहे थे, MRR वहाँ पे बना रहा था पेंट, टॉयज एंड ऐसे बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से कंपनी की अलग ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो ये थी कंपनी की स्टार्टिंग जर्नी कि MRR की शुरुआत कैसी हुई और किस तरह से इन्होंने ग्रोथ पकड़ी। तो ये तो हो गई कंपनी की जर्नी के बारे में बात, अब आते हैं कंपनी के मेन बिजनेस पे। तो बिजनेस ओवरव्यू में सबसे पहले हम देखेंगे इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि अगर आज हम MRR को जानते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। देखो, जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो स्टॉक मार्केट से रिलेट नहीं करते हैं वो भी जानते हैं। उसका रीजन पता है क्या, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि MRR का जो मोटो है वो है दोस्तों कि बेस्ट, वी आर द बेस्ट। उनका ये मोटो है कि हमारा टायर सबसे बेस्ट है, तो इसकी मार्केटिंग भी उसी तरह से होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने देखा कि उस टाइम का सबसे पॉपुलर एंड सबसे बेस्ट एथलीट कौन सा है, जिससे हम क्या करेंगे, अपनी कंपनी का, अपने टायर्स का यहाँ पे प्रमोशन करवाएंगे। तो फिर ये गए सर सचिन तेंदुलकर जी के पास, क्योंकि सर सचिन तेंदुलकर उस टाइम के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स थे, जिनके साथ में इन्होंने टाइप करा और अपनी कंपनी की मार्केटिंग करी। एंड आफ्टर सचिन तेंदुलकर इन्होंने पकड़ा सर विराट कोहली को, जहाँ पे कि इन्होंने विराट कोहली के साथ में टाइप करा, और आप आज भी देखते होंगे कि MRR का जो स्टीकर है वो आपको विराट कोहली के बैट पे देखने को मिलेगा। वैसे ही बहुत ही रेयर होगा कि आपको किसी और प्लेयर के बैट पे देखने को मिलेगा, लेकिन MRR का स्टीकर आपको विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर के बैट पे देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि यही दो ऐसे प्लेयर हैं जो इसका क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं। इसी वजह से हमें बचपन में लगता था कि MRR बैट बनाती है, लेकिन MRR बैट नहीं बनाती, वहां से वो अपनी प्रमोशन कराती है।
तो इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी यूनिक है एंड लोगों के दिल तक छू जाने वाली एंड बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट करने वाली इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो ये तो ही दोस्तों इनकी बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात। अब आते हैं थोड़ा सा कॉरपोरेट लेवल पे, क्योंकि ये अभी हमने थोड़ा सा इन कॉरपोरेट लेवल की हमने डिस्कशन करी। अगर हम कॉरपोरेट लेवल में आते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा मेन की पॉइंट आता है इंडस्ट्री। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस इंडस्ट्री को एनालिसिस करेंगे कि इस इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिससे कि MRF को फायदा मिलेगा फ्यूचर में या नहीं मिलेगा। सो अगर मैं अभी टायर इंडस्ट्री की बात करूं इंडिया में, सो इसका ऑलमोस्ट जो मार्केट वैल्यू है वो आपको $12 बिलियन के आसपास पे देखने को मिलेगा, जो सालाना 8-9% की CAGR ग्रोथ दिखा रहा है। जी हाँ, जिसके चलते अगर आप देखोगे 2030 तक जो टायर इंडस्ट्री है इंडिया की वो ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी $29 बिलियन की। और हाँ, हर साल 200 मिलियन टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडिया में। और दो और ऐसी चीज़ें जो इस मार्केट को और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कि जितनी भी टायर इंडस्ट्री की कंपनीज हैं वो अपनी R&D इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि जिस तरह से AI का जमाना आ रहा है, यहाँ पे ये सारी कंपनीज भी टेक्नोलॉजी को और डेवलप कर रही हैं अपने इस सेगमेंट में। और दूसरी चीज़ ध्यान में रखना, देखो कार चाहे कोई सी भी हो, चाहे पेट्रोल वाली हो चाहे डीजल वाली, वो आपकी EV में शिफ्ट हो सकती है, वो आपकी बैटरीज पे शिफ्ट हो सकती है, लेकिन ध्यान में रखना EVs को भी चलने के लिए टायर लगेंगे। यानी चाहे कारें EV पे चेंज हो जाए, चाहे नॉन पेट्रोल और डीजल में ही रहे, लेकिन उन्हें चलने के लिए टायर्स की रिक्वायरमेंट फिर भी रहेंगी। तो ये दो चीज़ें हैं जो यहाँ पे और यहाँ पे ग्रो हमें होते हुए देखने को मिल रही हैं। तो ये तो दोस्तों बात हो गई कंपनी की इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कौन सी है? देखो, अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो आपको देखने को मिल जाएगा कि बालकृष्णा इंडस्ट्री इसको यहां पर लीड कर रही है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं MRF, अपोलो एंड ऐसे वेरियस कंपनी है। लेकिन अगर मैं यहीं पे कहूं कि मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो वहां पे आपको लीड करते हुए देखने को मिलेगा MRF, क्योंकि MRF इस टाइम पे ऑलमोस्ट 29% का मार्केट शेयर रखता है टायर इंडस्ट्री में। देन उसके बाद बालकृष्ण इंडस्ट्री, अपोलो, C8, JK एंड वैसे वेरियस टायर कंपनीज आती हैं जो यहाँ पे इस इंडस्ट्री में काम करती है, लेकिन मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा होल्ड करता है MRF। सो दैट इंडिया की जो सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो आती है दोस्तों MRF। लेकिन आपसे एक सवाल है, ये तो इंडिया की सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है? देखो, सवाल थोड़ा सा अच्छा है, कमेंट में बताना, नहीं पता है तो, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में कितनी नॉलेज है। सो नाउ अब बात करते हैं कि व्हाई MRF इज द बिगेस्ट शेयर ऑफ इंडिया। तो इसके लिए दोस्तों आपको कंपनी की फाइनेंशियल्स को देखना पड़ेगा, जिसमें कि हम कंपनी की स्टार्टिंग से नहीं जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम इसके लास्ट 10 ईयर की परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि इसने लास्ट 10 ईयर में किस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है। उस चीज़ को अगर आपने देख लिया तो आपको एग्जैक्ट रीज़न समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि वाई MRF इज़ द बिगेस्ट शेयर ऑफ इंडिया। सो अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूँ, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2014 में कंपनी की जो सेल्स थी वो थी दोस्तों 13,329 करोड़ की, जो मार्च 2024 में बढ़कर हो गई है 25,169 करोड़ की। यानी पिछले 10 साल में 7-8% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हमें यहां पे देखने को मिले हैं। और यही नहीं, लास्ट 5 ईयर में 9% की CAGR एंड लास्ट 3 ईयर में 16% की CAGR ग्रोथ भी हमें देखने को मिली है यहां पे MRF की। इसका इम्पैक्ट आप इसके स्टॉक प्राइस पे देख सकते हैं। इवन 1996 में जब MRF स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ, तब इसके स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 1300 रुपए के नियर था। देन उसके बाद जेन 2010 में इसका जो स्टॉक प्राइस था वो ऑलमोस्ट 6000 रुपीज के आसपास था। देन नेक्स्ट 2020 में सेम आपको यही प्राइस 70,000 के आसपास आपको देखने को मिला। देन 23 फरवरी 2024 को MRF अपना ऑल टाइम हाई लगाता है, जो होता है दोस्तों 1,51,445 रुपए का। यानी MRF ने 1919 से लेके अभी तक मोर देन 6000% के रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम पे MRF का जो स्टॉक प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 15-20% करेक्ट हो चुका है। हो सकता है कि जब ये वीडियो देख रहे हो ये यहाँ से रिकवर हो जाए, या हो सकता है इससे डाउन जा सकता है। तो इसलिए एक बार
चेक जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर अगर आप MRF को खरीदना चाहते हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज मैं किसी भी तरह का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो हमने देखा कि किस तरह से इसकी सेल्स ग्रोथ और इसकी प्रॉफिट ग्रोथ का इम्पैक्ट हमें इसके स्टॉक प्राइस पर भी देखने को मिला, लेकिन अब सवाल आता है कि इसका जो स्टॉक प्राइस है वो इतनी तेजी से क्यों भागा और कैसे ये स्टॉक 1.5 लाख रुपये तक पहुँचा है। तो देखो, इसके मेनली 3 रीजन है जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं, जिसमें सबसे पहला रीजन आता है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हमने देखा कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ किस तरह से हमें यहां पे ग्रो होते हुए देखने को मिली है, जिसका इंपैक्ट हमने डायरेक्ट स्टॉक के प्राइस पे भी देखा कि किस तरह से MRF की सेल्स बढ़ी और उस तरह से MRF का स्टॉक प्राइस भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। देखो, यही रीजन होता है कि कोई भी कंपनी जिसकी सेल्स कंटिन्यू ग्रो होती रहती है उसका स्टॉक प्राइस भी कंटिन्यू बढ़ता रहता है। सो देट यहाँ पे जो फर्स्ट रीजन निकल के आता है वो आती है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो अभी तक काफी अच्छी रही है, जिसका इंपैक्ट हमें इसके स्टॉक प्राइस पे भी देखने को मिला है। अब बात करते हैं इसके दूसरे सबसे मेन रीजन के बारे में, जो है दोस्तों इसकी बैलेंस शीट। देखो, किसी भी कंपनी की जब सेल्स बढ़ती है, कंपनी के पास प्रॉफिट आता है, तो उसकी बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड मजबूत हो जाती है, जिससे चलते बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एंड वहाँ पे बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे आता है, जो हमें MRF के केस में भी देखने को मिलता है, जिसके चलते MRF का जो स्टॉक है वो काफ़ी हाई ज़्यादा डिमांड में आ जाता है। और आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस किस तरह से जंप होते हुए देखने को मिल जाता है, जो सेम चीज़ हमें MRF में भी देखने को मिली है। तो ये था दोस्तों इसका दूसरा रीज़न। अब बात करते हैं इसके तीसरे सबसे मेन रीज़न के बारे में, जो आता है दोस्तों लिमिटेड शेयर। MRF के इंडियन स्टॉक मार्केट में मात्र 42,41,143 शेयर, जिसमें से अगर मैं डेटा देखूं सितंबर 2024 क्वार्टर का, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि 27% की जो होल्डिंग है वो आपको देखने को मिलेगी प्रमोटर्स के पास में, रिमेनिंग 29% की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास, रिमेनिंग 18% की जो होल्डिंग है वो FIIs के पास आपको देखने को मिलेगी एंड रिमेनिंग 12% की जो होल्डिंग है वो आपको देखने को मिलेगी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में। और यही नहीं, जिन लोगों के पास MRF के शेयर है, अगर मैं उनकी संख्या की बात करूं तो सितंबर डेटा के अनुसार आपको देखने को मिलेगा 48,576 लोगों के पास MRF के शेयर्स हैं। और यही नहीं, अगर मैं पिछले क्वार्टर में जाता हूं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे वो थे दोस्तों 57,325। तो आप लगा लीजिए 57,000 से शेयर होल्डर्स की संख्या गिर के 48,000 रह गई है, यानी ये वो 48,000 लोग हैं जिनके पास MRF के शेयर है। इसमें आपके प्रमोटर्स भी आते हैं, FIIs भी आते हैं, DIIs भी आते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी आते हैं, यानी जो सबसे मेन आपको रीजन देखने को मिलेगा कम स्टॉक, जिसकी वजह से MRF के शेयर्स की वैल्यू की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई रहती है एंड जब किसी चीज़ की डिमांड हाई रहती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक आपको बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। और यही नहीं, MRF ने जब ये कंपनी मार्केट में भी लिस्ट नहीं हुई थी, उससे पहले 1975 में एक बार स्प्लिट अनाउंस करा था, तब से लेके आज तक MRF ने ना कोई स्प्लिट अनाउंस करा है और ना ही कोई बोनस शेयर इश्यू किए हैं। इसलिए जो मैंने आपको अभी बताया था 42 लाख शेयर ऑलमोस्ट, वही MRF के शेयर स्टार्टिंग से लेके अभी तक आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए आपने टीवी चैनल्स में एक न्यूज भी देखी होगी, जब एक बेटा एक न्यूज एंकर से पूछता है कि उसके दादाजी ने MRF के कुछ शेयर लिए थे और आज उनके प्राइस क्या होंगे, तो वो उसके प्राइस सुन के दंग रह जाते हैं। रवि, मॉर्निंग टू यू, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। सर, मेरे दादाजी ने 1990 में MRF शेयर्स लिए थे 20,000 सर। अच्छा। और उनके सर्टिफिकेट्स टाइप मेरे पास दादाजी ने अभी दिए हैं, एक्चुअली ये पिछले 10 साल से पैरालाइज हो गया था इनको, तो मैं इनको गांव से अपने पास ले आया, इनका इलाज कराया, तो अब जाके थोड़ा रिकवर हुए हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ ये किस तरीके से और कहाँ सेल आउट होंगे, या जैसे मैं इनको सेल करना चाहता हूँ। आप बेचना चाहते हैं इसे? यस सर। तो यही रीजन है कि MRF का शेयर प्राइस डे बाई डे आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा है लेकिन मार्केट में इसकी लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है, इसकी वजह से आपको इसका प्राइस कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिलता है। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या MRF 2 लाख भी टच कर सकता है,
क्योंकि जिस तरह से इसने पहले 50,000 फिर 1,00,000 फिर 1.5 लाख के मार्क को टच करा, क्या ये 2 लाख के मार्क को भी टच कर सकता है? देखो, अगर यहाँ पे कोई बोनस एंड स्प्लिट जैसी न्यूज नहीं आती है सो पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में हमें 2 लाख का शेयर प्राइस भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये एक ऐसा प्राइस है जो हर किसी इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि अगर आप थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस होते हो इस वीडियो से तो इसको खरीदने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसका एक ही शेयर प्राइस आपकी बहुत बड़ी कैपिटल लेके चला जाएगा। सो ये था दोस्तों रीजन MRF का कि MRF किस तरह से इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक बना है एंड इसके पीछे का रीजन क्या है जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करा। इवन कंपनी की कंप्लीट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसके करंट प्रेजेंट वैल्यू, इनकी इंडस्ट्री एनालिसिस, एवरीथिंग हमने डिस्कस करा। आई होप आपको MRF की ये कंप्लीट केस स्टडी देखने में मजा आया होगा। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस तरह का कंटेंट अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसा कंटेंट आपसे कभी भी मिस ना हो।